अभी मैं पहले आप लोगों को ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताऊंगी। अच्छा, यहाँ सब लोग अभी अभी शुरू किया है सबने या कोई मेल्स दे रहा है? सब बिगिनर्स हैं। अच्छा ठीक है, तो बुक लिस्ट किसी के पास है ऑलरेडी? कुछ स्ट्रैटेजाइज किया है या नहीं किया है? ओके, तो पहले हम क्या क्या शुरू करेंगे? पॉलिटी के लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी, जो आपकी पॉलिटी एनसीईआरटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पॉलिटी में, बट एक बेसिक ब्रीफ आइडिया के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है ना, एक छोटी वाली जो होती है वो वाली एनसीईआरटी, वो आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है? वो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? लक्ष्मीकांत, ठीक है? उसके बाद ज्योग्राफी। लेकिन ये नहीं है लक्ष्मीकांत एक बार रीड किया फिर बोलोगे भाई मेरे को अर्जेंट नहीं, आपको जो जो चैप्टर्स आपने किए ना साथ में आप उठाओ क्वेश्चन बैंक, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन बैंक? एक तो लक्ष्मीकांत का खुद का आता है एमसीक्यू, दूसरा है विजन की टेस्ट सीरीज। इनिशियली आई वुड सजेस्ट गो विद विजन बिकॉज वो थोड़ा इजी है, यू कैन इजिली, मतलब तीन आपने चैप्टर किए विजन से, आपने टेस्ट किया, उधर से आपको समझ आएगा आपको कितना समझ आया, ठीक है? ऐसे लगता है कि भाई ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, बट देन आपको प्रैक्टिकली पता चलता है जब आप एमसीक्यूज करते हो कितना आपको आता है। वो आपको साइमल्टेनियसली चलाना है, तब जाके आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, फाइन? उसके बाद ज्योग्राफी है। अभी रुको ना, वो मैं मेल्स है एथिक्स, एथिक्स वाली केस स्टडी देख रहे हो ना, एथिक्स वाली केस स्टडी। अच्छा जजमेंट्स, वो मैं बताऊंगी, वो मेल्स का, वो आप अलग से, पहले प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज है, पहले वो क्वालिफाई करो उसके बाद मेल्स पे आओगे, ठीक है? ज्योग्राफी में एनसीईआरटी है हाँ, 11th 12th की। अब इनिशियली मे बी आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में, तो नहीं भाई मुझे आता है नहीं, जब तक आपके एमसीक्यू नहीं सही हो रहे हैं मतलब आपको नहीं आता, ठीक है? उसके बाद है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे पास तीन पार्ट है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है? एंशियंट में पहले क्या करोगे? तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु टेक्स्ट बुक उठाओ, इजिली आपको एक टाइमलाइन पता चलेगी क्या है, ठीक है? उसके अलावा क्योंकि अब जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से जो सवालों की लेवल आ रही है दैट इज नाउ बियॉन्ड जो बेसिक्स होता था। पहले हम बस एंशियंट पढ़ते थे, मतलब कोई एक सोर्स करते थे, वो नहीं करना है। इसमें एंशियंट उठाया, ये सॉरी तमिलनाडु वाली टेक्स्ट बुक्स उठाई, उससे आप एक टाइमलाइन बना सकते हो दिमाग में, पहले क्या था फिर क्या था फिर कौन सा एम्पायर आया, और थोड़ा बहुत उसके क्या क्या उसमें फैक्चुअल पार्ट है। फिर आप इसी में थीम्स, जो थीम्स है ना हमारी हिस्ट्री की, जो नई बुक्स है एनसीईआरटी वाली, वो आप उठाओगे, उसको पढ़ोगे, ठीक है? इस पहले आपको तमिलनाडु से बनाने हैं 20-25 पेज के, आप नोट बनाओगे, क्या बनाओगे? नोट, ठीक है? उसको बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, ये कैसे समझ आएगा किस चीज को नोट डाउन करना नहीं करना है जब आप पीवाईक्यू देखोगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के खोलो, और वो भी आपको इम्पोर्टेंट, वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आपको विजन भी करना है, राइट? मैं आपको विजन सजेस्ट कर रही हूँ, किसी को इनसाइट अच्छा लगता होगा, किसी को कोई और, बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि गो विद विजन बिकॉज दैट इज वेरी बेसिक। इनसाइट्स वाले में थोड़ा करंट वाला डायनेमिक पार्ट ज्यादा होता है, यू वुड अंडरस्टैंड जब आप लोग थोड़ा दो चार टेस्ट सीरीज देखोगे ना, उसके बाद आपको समझ आएगा कौन सा कैसा है, ठीक है? फिर आपका, और आप देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सिलेबस कवर करता है, तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है।